कबूस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ KFC क्रिस्पी फ्राइड चिकन। घर में आप आसानी से बना सकते हैं बहुत थोड़े चीज़ों के साथ। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। चिकन मैंने बड़े बड़े पीसेस में लिया है, हमें बड़े पीसेस में चिकन चाहिए इस साइज़ में। आप स्किन के साथ भी ले सकते हैं, मैं स्किन आउट ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए थोड़े से ड्राई मसाले और थोड़े से सॉसेस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 लेमन जूस इसमें जाएगा। इसमें जाएंगे सूखे मसाले, ये पेपरिका पाउडर है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें जाएगा मैगी मसाला 1 सैचेट, जो मैगी में हमें मिलता है या तो ऐसे भी मिल जाता है, तो मैगी मसाला 1 सैचेट हम इसमें डालेंगे। मैगी मसाला 1 सैचेट इसमें मैंने डाल दिया है। फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे हमारे चिकन पीसेस। ये मेरे पास चिकन के बड़े पीसेस हैं, ये तकरीबन 750 ग्राम्स चिकन है मेरे पास। तो सारे चिकन में हम मसाले को अच्छे से कोट कर देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, अब हमें इसे तकरीबन 1/2 आवर रखना होगा। अगर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा मैरिनेट होगा और इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसे हम 1/2 आवर फ्रिज में रख देते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस 1/2 आवर के बाद हम करेंगे। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, मैंने इसे तकरीबन 1/2 आवर के लिए रख दिया था। अब जितना इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना ये अच्छी बनेगी। तो हम नेक्स्ट इसका मैरिनेशन तैयार करते हैं। हमें चाहिए मैदा, ये है 300 ग्राम्स मैदा है ये। इसके साथ हम डालेंगे 100 ग्राम्स कॉर्नफ्लोर, मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर को। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड करें, मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, मेरे हिसाब से 1/2 टीस्पून काफ़ी है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। ये हो गई हमारी चिकन के लिए कोटिंग्स, इससे ही क्रम्स बनते हैं, इसमें ही हम क्रम्स बनाएंगे। ये मेरे पास है फ्रिज का चिल्ड वाटर। अब तीनों चीज़ें हमारे पास रेडी है, चिकन मैरिनेट किया हुआ और क्रम्स बनाने के लिए हमारे पास है कोटिंग इसकी मैदे से बनी हुई और चिल्ड वाटर। ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें कोटिंग इस चिकन को कोट करने के बाद हमें ज़्यादा टाइम इसे नहीं रखना है, वरना क्रम्स नरम हो जाएंगे इसके, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ऑयल को भी गर्म कर लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चिकन के पीस को लेंगे, फिर मैदे में अच्छे से कोट करेंगे इस तरह से, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बस धीरे धीरे से इसे हम कोट करेंगे। फिर हम इसे डालेंगे चिल्ड वाटर में, ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ेंगे हम। पानी में थोड़ी देर रख दिया है हमने, अब हम इसे फिर से उठाएंगे, फिर सेकेंड टाइम इसे हम कोट करेंगे। देखिए क्रम्स अच्छे से बन चुके हैं हमारे। इसमें एक्सेस लगा हुआ मैदा डस्ट कर देंगे हम नीचे ही, और हम इसे डालेंगे ऑयल में फ्राई होने के लिए। इसी तरह से दूसरी पीस भी हम दूसरी पीस को भी कोट कर लेंगे मैदे में। अच्छे से डस्ट कर करके
चिल्ड वाटर में हम इसे डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। अब हम इसे पानी में से निकालेंगे और फिर से मैदे में कोट करने के लिए डाल देंगे। कोटिंग अच्छे से करें तो इसी तरह आप एक्सेस मैदे को डस्ट कर दें और ऑयल में इसे डाल दें। केएफसी चिकन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए प्लेट में। इस तरह से इसके क्रम्स भी बहुत अच्छे बने हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप भी इसे घर में बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसी बनी। तो मेरे अगर ऐसी और रेसिपीज़ आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे रेसिपीज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सर्व करने के लिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है केएफसी चिकन सॉस के साथ। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है मेरे स्टाइल में। आप भी घर में इसे बनाइए और देखिए बहुत अच्छी बनी है, यकीन मानिए। तो मैं इसे आपको तोड़ के भी एक बता देती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है। पीस अंदर से भी ये पक चुकी है, बहुत जूसी बनती है ये चिकन। देखिए ये अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है। अगर आप ऐसी ही शानदार रेसिपीज देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही मेरे चैनल को पे विजिट कीजिए, मेरे रेसिपीज़ को देखिए और बनाइए। तो चलिए मिलती हूँ मैं ऐसी ही नई और शानदार रेसिपियों के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, खुदा हाफिज़।